सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। कला प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज कला प्रोग्राम हम लावण्या सैंतिया से प्रस्तुत करें और एक ऐसे कलाकार से आपको मिलवाएंगे जो बहुत खूबसूरत हसीन और उनका जो कार्य है देखकर आप चकित रह जाएंगे। तो थोड़ी देर में आपको हम मिलवाएंगे हमारे आर्टिस्ट से, नशरीन बानू आशिक से। बहुत ही अच्छे कलाकार है और उनके पेंटिंग्स जो है आप थोड़ी देर में देखेंगे और आपके मुंह से वाह शब्द निकल जाएगा। तो चलिए हम आपको मिला रहे नशरीन जी, आपका हम स्वागत करते हैं कला प्रोग्राम में। और हम सबसे पहले ये तो जानते हैं आप अच्छे पेंटिंग्स करती हैं, और इसके अलावा अपने बारे में थोड़ा बताएं। रत्नामाला, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे यहाँ आई। दरअसल मेरा नाम, जिस तरह आपने आप बता चुकी हैं, मेरा नाम नशरीन है और मैं एक एजुकेटर हूँ, उर्दू पढ़ाती हूँ क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज में, लेकिन साथ ही साथ मैं पेंटिंग भी करती हूँ। मैं दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पढ़ाई की, वहाँ से मैंने उर्दू के साथ साथ फाइन आर्ट्स भी की। तो मैं उर्दू एजुकेटर की उर्दू एजुकेटर अपॉइंटेड हूँ बीएससी में, लेकिन साथ ही साथ स्कूल के बाद मैं थोड़ा सा पेंटिंग भी करती हूँ। दरअसल मैं ये आपको ये बात बताना चाहती थी कि मैं पूरे 15 साल के बाद फिर से मैंने पेंटिंग शुरू की है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने ये कला जो है, जो ये आर्ट जो है, ये दोबारा फिर से शुरू किया है। नशरीन, आपकी गैलरी में पैर रखती ही आपकी जो चित्र देखकर मैं एकदम चकित रह गई। बहुत सुंदर है चित्रकारी आप बनाती हैं, लेकिन आपने बताया कि 15 वर्ष आप मतलब चित्र नहीं बनाती थी, ऐसा क्यों, क्या हुआ? दरअसल जब मैं पढ़ाई ख़त्म करके मॉरिशस आई थी तो मुझे फ़ौरन कॉलेज में नौकरी मिल गई थी। तो जैसे ही मैंने उर्दू पढ़ाना शुरू किया, कहाँ पर? तो मैंने शुरू, वहाँ शादी से पहले तो मैं बेलिया में रहती थी। मेरे पापा जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अनीक चमन, जो बेलिया रहते हैं, वो उर्दू के टीचर रहे थे। तो उनका ये हमेशा से ख्वाब था कि मैं भी उनकी तरह उर्दू पढ़ाऊँ, इसलिए मैंने फाइन आर्ट्स को पीछे छोड़कर उर्दू पढ़ाना शुरू किया। तो शुरू शुरू में मुझे जैसे कोई कमी महसूस हो रही थी, जैसे मेरे अंदर कोई कला है जो मैंने पीछे छोड़ दिया है। तो इस बात से मैं हमेशा गमगीन रहती थी कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ अपने दोस्तों को देख के पेंटिंग करते हुए। एक कला अब मैं है ना? है, वो है, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी क्योंकि अब मैं उर्दू पढ़ा रही थी। तो कहीं पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं आर्टिस्ट नहीं रही, अब मैं सिर्फ एक उर्दू पढ़ाने वाली उस्तानी रह गई। इस तरह शादी हो गई मेरी बेटी हो गई, उसके बाद लाइफ जो है, ज़िंदगी इसी तरह चलती रही। पूरे 15 साल बीत चुके, मैं उर्दू पढ़ाती, घर पर आऊँ, घर संभालूँ, मतलब कि रूटीन सा हो गया था। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमेशा से मेरे अंदर कुछ रिग्रेट था, यानी कोई सैडनेस था, गम था कि मैं अपने दोस्तों की तरह नहीं पेंट कर पा रही थी। चूँकि आप इसमें डिग्री हासिल, मैंने डिग्री हासिल की है, लेकिन मैं नहीं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक मेरी ज़िंदगी में जैसे कोई मिरेकल हो गया था। एक दिन मेरा ट्रांसफ़र हुआ बोबासा SSS में। तो जैसे मैं वहाँ गई, मैं बहुत गमगीन महसूस कर रही थी क्योंकि मुझे वो स्कूल जो है, वहाँ पर अकेलापन महसूस कर रहा था, मुझे पसंद नहीं था। मैं वापस अपने स्कूल में दोबारा आना चाहती थी। मैं रोज़ाना घर से स्कूल से आकर रोती थी कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। फिर एक दिन मेरा जो स्पिरिचुअल गाइड है, उनका नाम है मिस्टर राफी खातिया, मैं हमेशा ये बात याद रखती हूँ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा कि तुम क्यों रो रही हो, अगर तुम्हारा ट्रांसफ़र वहाँ हुआ है तो समझ लो कि वहाँ कुछ अच्छा होने वाला है तुम्हारे साथ, बस तुम सब्र करना और देखना, तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है वहाँ पर। तो उनकी बात जैसे मेरे दिमाग में रह गया और मैं वहाँ फिर दोबारा जाने लगा। और मिरेकल की बात ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा कोई अच्छी बात होने वाली है, अच्छा होने वाला है मेरे साथ,
वाकई दूसरा दिन जैसे ही मैंने कॉलेज में पांव रखा, मेरी मुलाकात मेरी सबसे अच्छी दोस्त दीपा बहादुर, जो कि एक बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट हैं, ये सब उनसे बहुत लोग परिचित हैं क्योंकि कई बार उनके साथ प्रोग्राम हुआ है और कई बार कई वर्कशॉप में वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट, ना सिर्फ बड़ी आर्टिस्ट है बल्कि उनका दिल भी बड़ा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि वो ही मेरा आर्ट गुरु है और वो नाराज़ होती है तुम क्यों इस तरह कह दिए, लेकिन कहना पड़ता है क्योंकि आज अगर मैंने पेंटिंग शुरू की है 15 साल के बाद तो वो सिर्फ उसी की वजह से है। तो बात ये हुई जब मैं वहाँ दीपा वहीं पर काम करती वहाँ काम करती थी, जैसे ही उसने मुझे देखा उसने फौरन कहा तुम मेरी दोस्त रही थी, तुम हम सब कॉलेज में साथ पढ़ते थे, हम दोनों धूमाधाम फुल के स्टूडेंट्स थे, तो फॉर्म वन से लेकर HSC तक हमने साथ किया था, तो उसको मालूम है कि हमने सब आर्ट क्लासेस जो हैं साथ करती थी। तो उसने कहा तुम तो आर्ट बहुत अच्छी तरह करती हो, तुम अब पेंटिंग नहीं करती हो? मैंने कहा नहीं, अब मैं उर्दू पढ़ाती हूँ, आर्ट कहाँ कर पाऊँगी। उसने कहा ये तो बहुत गलत बात है, इतनी अच्छी आर्टिस्ट आर्ट नहीं छोड़ सकती है। उसने कहा अगर तुम अभी इसी वक्त फैसला करती हो तो अभी मैं तुम्हें इनिशिएट दोबारा करूँगी, तुम फिर से पेंटिंग कर लोगी। तो भी मैंने सोचा अच्छा शायद यही बात है जो मेरे स्पिरिचुअल गाइड दोबारा से शुरू हो, एक मिरेकल जैसे होने वाली है मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है अगर तुम मदद करने के लिए तैयार हो तो मैं कोशिश करूँगी। कहीं ना कहीं कहीं किसी से जब भेंट हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, तो मानो ये ऊपर से भेजा गया है। यही तो मैं कहती हूँ मिरेकल हैपेंस एवरी डे, यू नेवर नो, आप कभी भी नहीं जान सकते हैं कि आगे क्या रखें। कभी कभी हम जब हमारे साथ कोई गलत होता है, कोई गलत चीज़ होती है, गलत बात होती है, तो हम रोती हैं कि क्यों हुआ है, हम हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ, रियलाइज नहीं करते, लेकिन रियलाइज गलत जो है आपको आगे पुश करने के लिए। इसीलिए तो कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं वहाँ गई थी सिर्फ दीपा से ही मेरी मुलाकात करने के लिए। तो मैं जब उसने कहा तो अगर तुम अभी डिसाइड करती हो तो अभी से शुरू करती है, हम फौरन गाड़ी में बैठकर हसामाल चले गए वहाँ, सब मटेरियल्स क्योंकि मेरे पास, क्योंकि मैंने इंडिया से वापस आने के बाद मैंने बिल्कुल भी पेंटिंग नहीं किया था, मैं जैसे ही नौकरी शुरू की कोई भी मटेरियल नहीं था, ना कनवा ना ब्रशेस ना पेंट कुछ भी नहीं था। तो हम फौरन शॉप गए, हमने कुछ ख़रीदारी की बेसिक थिंग्स खरीदी और ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। जैसे हम दोबारा स्कूल वापस, क्योंकि हम फ्री थे, हमारे क्लासेस नहीं थे उस रोज़, उसने कहा अब इंतज़ार क्या कर रही हो, चलो दो फौरन आउट रूम में चलो, तुमने ये सब सामान किया गाड़ी में ख़रीदने के लिए रखने के लिए ख़रीदा है, चलो जल्दी। हम फौरन आउट रूम में गए और जल्दी जल्दी हमने, उसने मुझे बहुत सारे टेक्निक्स दोबारा मुझे सिखाया। मैं कितने साल के बाद जैसे मैं ब्रश पकड़ रही थी, मेरे लिए वाकई मिरेकल वाला दिन था। और उस रोज़ से मैंने जैसे पेंटिंग शुरू की दीपा के साथ, आज तक मैंने अब इस बात को लेकर 2013 में मेरी मुलाकात दीपा से हुई थी और आज 2022 में मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं गुजारा जो बिना ये पेंटिंग के बगैर नहीं गुजारा। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जो भी हूँ आज सिर्फ जैसे खुदा ने दीपा को मेरे रास्ते में जानबूझकर जैसे मिरेकल के लिए ही मुझे मेरे ज़िंदगी में भेजा है, इसीलिए आज मैं इतनी और इसके मैं पेंट करती हूँ। जैसे ही मैंने पेंटिंग शुरू की है तो दीपा बहादुर ने मुझे एक एसोसिएशन में इंट्रोड्यूस किया, मैं वहाँ एक मेंबर हो गया। ये मेरा सबसे पहला एसोसिएशन है जिनका प्रेसिडेंट देव चुरामन है, वो भी बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं। तो उनका जो एसोसिएशन जी ACA उनका एसोसिएशन है और वो बहुत से आर्टिस्ट को जैसे मौका देते हैं जो अभी इमर्जिंग आर्टिस्ट होते हैं जो शुरू कर रहे हैं, तो सबको वो इनवाइट करती हैं अपने ACA में और वहाँ पर हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ साथ करती हैं। तो जैसे ही मैंने वो एसोसिएशन ज्वाइन किया तो मैं उन लोगों के साथ लाइव पेंटिंग करने गए नेचर में, कभी पब्लिक में, तो इन सब से मुझे जैसे एक्सपीरियंस सा होने लगा, जैसे मैं फिर से दोबारा पेंटिंग करना शुरू किया। ना सिर्फ पेंटिंग बल्कि बहुत दूसरे फेमस आर्टिस्ट से मेरी मुलाकात हुई, जैसे फैज़ाल डिल्लू से,
रियाज उलादीन से, निशाल पौबू से, तो उन लोगों ने भी मुझे बहुत एंकरेज किया। फिर एक दिन मेरे यहाँ पर मॉरिशस में एक दूसरे एसोसिएशन है जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलुमनाई एसोसिएशन, यानी जो जितने स्टूडेंट्स वहाँ पर तालीम हासिल करके वापस आए हैं, हमने एक एसोसिएशन यहाँ पर क्रिएट किया है। और हम लोग अपने एसोसिएशन, अपने फाउंडर यानी सर सैयद अहमद ख़ान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, तो हम उनके 200th एनिवर्सरी मनाने जा रहे थे। तो उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि जितने अलीगढ़ इससे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आए हैं, किसी ने फाइनल्स नहीं किया है, तुम अकेली स्टूडेंट हो जो वहाँ से फाइनल्स करके आई हो, तो इफ़ यू वांट हम लोग एक सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं वो एनिवर्सरी मनाने के लिए, क्या तुम हमारे लिए 10 पेंटिंग्स कर पाओगे सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी पर। तो मेरे लिए तो जैसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमेशा मैं सिर्फ एक दो पेंटिंग करती थी, अब अचानक मुझे जैसे किसी ने 10 पेंटिंग्स करने के लिए, चैलेंज भी था लेकिन जैसे एक एक्साइटमेंट भी था कि मैं अभी जैसे मुझ में अपने आप को एक रियल आर्टिस्ट महसूस करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे अब 10 पेंटिंग्स करने, और वो एग्जीबिशन जो है मुझ पर जैसे मैं अकेली आर्टिस्ट रहूँगी इन सब पेंटिंग करूँगी। लेकिन फिर भी मैंने फैजाल रियाजुलादीन को और दूसरे एक और आर्टिस्ट हैं विक शिबदयाल को, उन सबको कांटेक्ट किया कि मैं अकेली नहीं कर पाऊँगी, क्या तुम सब मेरी मदद कर पाओगे। तो सब ने अपने तरफ से और एक दो पेंटिंग लाए और हमने एक पूरा एग्जीबिशन, वो था मेरा सबसे पहला एग्जीबिशन जो हमने IGCIC फिनिक्स में ऑर्गेनाइज किया था। और ये जैसे मेरी आर्टिस्ट लाइफ में उनका नाम सबसे बहुत ही अहम है, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रमोट करने की के लिए बहुत कोशिश की और बहुत मदद की। तो दरअसल मिस्टर असद बगला एक ऑथर हैं जो किताब लिखते हैं, और कैसे किताब जो हिस्ट्री पर होती हैं, वो ऐसे ऐसे हीरोज़ की तलाश करते हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है हमारी हिस्ट्री में, लेकिन कहीं पर लोग उनको पहचानते नहीं हैं या उनका नाम जो है हिस्ट्री के पन्नों में कभी कहीं गुम हो गए हैं, तो वो उनको कहते हैं फॉरगॉटन हीरोज़। तो उनको वो ढूंढते हैं और उनकी बायोग्राफी करते हैं। तो मिस्टर असद बगला ने मुझसे कहा कि अगर मैं जितने किताबें लिखती हूँ, क्या अगर तुम चाहो तो तुम मेरी बुक कवर कर सकती हो, अगर तुम कर पाओगी तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आप कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो मैंने एक किताब की बहुत ही फेमस हुई, मैंने दो किताब की थी, इस तरह मैंने 7 किताब पिछले तीन साल में मैंने 7 किताबों की कवर की है उन मिस्टर असद बगला की। सबसे पहली किताब मैंने जो मिस्टर असद बगला की थी वो है डॉक्टर इडरीस कुमानी। तो डॉक्टर इडरीस कुमानी के हवाले से हमने और 2-3 पेंटिंग की थी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है, तो ये जो बुक कवर है, तो इडरीस कुमानी जो है जब उनकी बात होती है तो ये 18th सदी की बात हो रही है, 18th century। तो उस वक्त बहुत सारे पिक्चर्स नहीं थे, जो पिक्चर्स थे वो ब्लैक एंड वाइट में थे और बहुत फ्लू थे। तो जब ये पिक्चर मेरे पास आए तब उनको लेकर मैंने सिलेक्ट किया कौन सा, तो एक पिक्चर में मैंने उनकी आँख ली, दूसरे पिक्चर में उनकी नाक, इस तरह एक पूरा मोहताज किया, फिर ये पिक्चर कलर में आया। तो ये उनकी जो किताब मैंने पहली बार कवर की, जो अभी रिसेंटली पिछले साल ही हमने मिस्टर असद बगला ने लॉन्च किया है, वो है इमाम गासी सुबदाओ। ये भी 18th century के हैं और ये मॉरिशस का सबसे पहला इमाम रहा है। तो वहाँ इमाम गासी सुबदाओ जो कांडेलास्काओ में रहते थे, जो आजकल प्लेनवेयर कहा जाता है, वो यहाँ मॉरिशस में एक मस्जिद है जो सबसे पहली मस्जिद है, मस्जिद अलक्सा, तो वहाँ के इमाम रहे हैं। तो उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, तो उनके बायोग्राफी लिखने के बाद मुझे कहा गया कि उनका एक पोर्ट्रेट बनाना है जो किताब के कवर में आने वाला था। तो उनका भी पिक्चर जो था ब्लैक एंड वाइट था, मुझे उनको दोबारा बनाना पड़ा, उनको फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कहते हैं जान डालना है, तो उनको कलर में मैंने बनाया है।
और किताब है निस्ता असद बगला की भंडारी। ये दरअसल एक कॉपी है पेंटिंग की, उसकी रियल पेंटिंग ओरिजिनल पेंटिंग प्राइम मिनिस्टर के पास है जो ICC के मेंबर्स ने उनको दिया था, ईद गिफ्ट दिया था ईद के मौके पर। इस तरह मेरे 6 पेंटिंग प्राइम मिनिस्टर के पास हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, वो मेरे साथ पेंटिंग खरीदते हैं और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को देते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि मेरी 6 पेंटिंग प्राइम मिनिस्टर के पास हैं। बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं। और अब हमको नसीम बताएंगे जो पेंटिंग्स है वो आप क्या मटेरियल यूज़ करती हैं, जिसमें देखिए बहुत सुंदर है, क्या मटेरियल से आपको ये सब? मैं दरअसल कैनवास पर काम करती हूँ और ज़्यादातर वो एक्रिलिक पेंटिंग पेंट्स का इस्तेमाल करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पेंट्स हैं एक्रिलिक, लेकिन साथ ही साथ मैं हमेशा कुछ दूसरी चीज़ ऐड करने की कोशिश करती हूँ ताकि उसको एक 3D इफेक्ट सा देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड मीडिया। जैसे आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, आप ये जब इसको छूते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक टेक्सचर सा है, तो उसका उस टेक्सचर को बनाने के लिए मैं एक पेस्ट का इस्तेमाल करती हूँ, जैसे प्लाट दे पारी टाइप की होती है। तो उसको अप्लाई करने के बाद उस पर मैं कुछ टेक्सचर सा बनाती हूँ, और या जिसे आप देखते हैं ऑन रिलीफ सा होता है, ये फ्लैट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है पेंट। आप इस साइड में देखेंगे तो आप देखेंगे ये जैसे उभर रहा है इसके ऊपर। तो ये पेस्ट अप्लाई करने के बाद उसको मैं ड्राई करने के लिए, सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। समय लगता है तो 24 आवर्स हो जाता है। एक दिन में जब ये सब तैयार हो जाता है तो फिर उस पर मैं पेंट अप्लाई करती हूँ। और उसके अलावा मैं और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर रियल सैंड है, रेत जो है, सैंड जो बीच से हम बालू, हाँ बालू जिसे कहते हैं, उस पर है। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये कितना रफ है। और एक दूसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वह है कपड़े। आप कहें ये मेरे सेल्फ ऑटो पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं जी, इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं। आप सोचने, आप इमेजिन नहीं करेंगे कि क्या क्या है। ये जो है ये कपड़े हैं जो मैंने उसको चिपकाया है उसके ऊपर, ये जिसको कहते हैं लाकोग्राफिया। हाँ, और ये जो है ये एक, ये वो कप है जो नर्स सब पहनते हैं। मैंने उसका ये जो उसका टेक्सचर जो है यूज़ किया है ये बॉर्डर बनाने के लिए। इस तरह मैं ट्राई करती रहती हूँ नई नई चीज़ें, किस तरह उसको इस ऊपर चिपका सकती हैं दूसरे इफेक्ट देने के लिए। मैं ये दरअसल मेरी बेटी की है, मेरी बेटी आज 17 साल की है, 17 years old। लेकिन मुझे, मेरी एक ही बेटी है, तो मैं हमेशा से मेरा ये ख्वाब था कि जो कला मेरे अंदर है, मेरी वो एकलौती बेटी के अंदर ज़रूर होना चाहिए। तो जो जैसे वो दो साल, हाँ ये मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि वो भी आर्टिस्ट बने मेरी तरह। तो मैंने जब से वो 2 साल की थी तब से ही मैंने उनको इनिशिएट किया है पेंटिंग से। तो मैं उनको हर पेंटिंग कंपटीशन में एनरोल करती थी, वो हमेशा जीतती भी थी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जो चाहती, मेरा जो ख्वाब है वो पूरा हो गया है, क्योंकि वो मुझसे बेहतर आर्टिस्ट हैं। या थैंक गॉड वो मुझसे बेहतर करती हैं। और ये उनकी सब पेंटिंग जो है जो वो 3-4 साल की उम्र में करती थी, तो मैंने उनको फेंका नहीं है, मैंने उनको बस संभाल कर रखा है ताकि वो एक दिन देखें कि किस तरह उसने शुरू किया था और कहाँ तक पहुँचा है। और ये जो है ये कैनवास पर ही पर ही है, आप देख रहे हैं। और आप देखेंगे जो टेक्निक्स है, उनके टेक्निक भी मेरी तरह थोड़ा सा वो मिलता जुलता है। जैसे मैं कपड़े सब स्टिक करती हूँ, चिपकाती हूँ, उसने शेल्स जो है चिपकाया है, यहाँ पर उसने रेत बालू जो है उसको चिपकाया है। तो ये जो है ये डॉक्टर एजिस गुमानी से रिलेटेड हैं। जब वो डॉक्टर करके वापस आए तो उस रोज, इस दौरान 1800 फ्रेंच के ज़माने थे, तो सब हमारे जो परदादा थे वहाँ आ रहे थे, बहुत से लोग स्मॉल पॉक्स के शिकार थे। तो वो जब बहुत बीमार है तो फ्रेंच लोग ने ऑर्डर किया कि सबको पॉइंट ऑफ कैनोनी भेजे, क्योंकि उस ये बहुत कॉन्टेजियस बीमारी थी।
तो अब उनकी इलाज उनका इलाज करने के लिए कोई नहीं था, फ्रेंच लोग नहीं जाना चाहते थे, तो वो लोग डॉक्टर जूस कुमानी को भेजते हैं। तो ये है वहाँ का जैसे कहते हैं कारंटेन, जो आज जो हम देख चुके हैं कोविड के दौरान, ये 1800 में की बात है, तब भी एक क्वारंटाइन था वहाँ पोर्टो कैनोनी में, जो आज रिजोर्ट बन गया है। ये सब खरीद कर लोगों ने क्लब मेड रिजोर्ट बनाया है। लेकिन जब ये हैरानी की बात, ये जो है अच्छी बात जो है, जो हमारे जो डॉक्टर इजीज कुमानी थे, जब वहाँ वो इलाज करने जाते हैं तो वो भी इलाज करते करते वो भी मर जाते हैं लोगों के साथ, और उनका जो कंटामिनेशन की वजह से उनका जो बॉडी है वो वहीं पर दफनाया जाता है, उनके पेरेंट्स को नहीं मिलता है, क्योंकि वो बीमारी से वो गुजरा है। तो आज भी उनका जो कब्र है तुम वहीं पर है। ये जो है ये पिक्चर कोई भी पिक्चर नहीं है, ये दिखाने के लिए हमने पढ़ा है कि एक मुगल एम्पायर के एक हाई डिप्लोमेट 1735 में मॉरिशस आई थी। तो ये सिर्फ किताबों में मेंशन हुआ है। तो जब वो यहाँ पर वो मॉरिशस में आए, तो ये जो लश्कर लोग यहाँ पर प्लेनवेट में रहते थे, उन लोगों ने उनको इनवाइट किया। उस दौरान इफ्तार का वक्त चल रहा था, यानी रमज़ान का महीना था, तो वो लोग उसे यानी मुग़ल एम्पायर के डिप्लोमेट को इफ्तार के लिए दावत देती हैं। अब ये सिर्फ ये जो है उन्होंने एक ट्रैवलॉग लिखा, ये छोटी सी बात उन्होंने एक ट्रैवलॉग में मेंशन किया कि 1735 में वो मॉरिशस आए थे, यानी ट्रैवल करते वक्त उनका जहाज़ जो है यहाँ पर रुका, वो थोड़ी देर यहाँ पर आए, लोगों ने उनको इनवाइट किया। अब कैसे दिखाना है, कोई पिक्चर नहीं है, तो इंटरनेट पर एक ही पिक्चर है उनके लिए, मैंने ये पिक्चर लिया। अब ये सब सारे इम्प्रोवाइज किया, ये सब लश्कर के कपड़े किस तरह वो पहनते थे, मुझे काफ़ी रिसर्च करना पड़ा। अब सिर्फ ये नहीं, अब वो किस तरह का खाना खाते थे उस वक्त, क्योंकि 17th की बात सेंचुरी की बात हो रही है, तो समोसा ये सब ज़ाहिर सी बात है नहीं थे। तो हम मुझे लगा कि वो लोग फ्रूट्स खाते थे, तो फ्रूट्स वो भी जो इम्पोर्टेड नहीं है, जो उस वक्त हमारे आइलैंड पर मौजूद थे। तो रिसर्च के बाद मुझे मालूम हुआ कि मान्योक था, वो कारोंबल थे, जोंबालाक थे, जात थे, तो ये सब मैंने इसको दिखाया है पेंटिंग में। रश्मि, मैं देख रही हूँ बहुत सारे जो बातें की आपने, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, और जिस तरह आप बता रही हैं मीठी आवाज़, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सब पेंटिंग्स जो आपने किया, जो कवर, ये सब बहुत सुंदर है। क्या फ्यूचर में, भविष्य में कुछ और करना चाहती है, कोई और योजना है? जैसे मैंने आपको बताया, जो मैंने जब पेंटिंग शुरू की, तो शुरू में मैंने कुछ पेंटिंग्स डेकोरेशन की तरह किया, जो हम अपने घर में लगा सकते हैं, ऑफिस में लगा सकते हैं। धीरे धीरे मैंने अपने कोई कुछ आर्किटेक्चरल पेंटिंग भी की है, जो बिल्डिंग्स पर हैं, मेरी यूनिवर्सिटी पर हैं। फिर रिसेंटली चूँकि मुझे मिस्टर असद बगला की किताबों की जो कवर्स करने को मिले हैं, अब मैं कंपेयर कर सकती हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ। क्या मैं सिर्फ डेकोरेशन के लिए पेंटिंग करना चाहती हूँ, या फिर कुछ ऐसी पेंटिंग्स करना चाहती हूँ जो हमेशा के लिए रह जाए। जैसे मैंने आपको दिखाया कितने पेंटिंग्स मैंने हिस्ट्री पर किए हैं, मुझे ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है जैसे जब भी जितने पेंटिंग्स मैंने हिस्ट्री के लिए की हैं, जो किताबों में, या चाहे वो कवर में आए हो या किताबों के अंदर, ये हमेशा के लिए रहने वाली हैं। कल मैं रहूं या ना रहूं, और जैसे आप जानते हैं आर्टिस्ट जो हैं वो जब तक ज़िंदा रहते हैं, कोई उनको इतनी इज्जत नहीं देते हैं। किसी को ऐसा होता है, चाहे वो सिंगर जाने के बाद बहुत चर्चा होता है। हाँ। सब तब लोग उनकी अहमियत के बारे में जानते हैं। हाँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं और जितने पेंटिंग्स करूँ वो हमारे अगली जनरेशन के लिए रहें। मैं अपनी जब
आर्टिस्टिक कैरियर देख रही हूँ, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिसके भी अंदर कोई आर्ट हो, चाहे पेंटिंग हो या म्यूज़िक हो या डांस हो, जो भी हो, तो उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि मैंने 15 साल छोड़ने की गलती कर ली है, मैंने बहुत कुछ मिस किया, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त की मदद से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं दूसरों के लिए ये एडवाइस दूँगी कि कोई भी कला हो, चाहे हम उसमें करियर ना करें, हो सकते हैं कि आप कोई डॉक्टर बन गया हो, कोई इंजीनियर बन गया हो, लेकिन अगर हमारे अंदर कोई आर्ट है तो उसको साइड में ज़रूर प्रैक्टिस करना। नशीन, आप बहुत आपकी जो सोच है बहुत आगे बढ़ना है, और मुझे लगता है आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगी, तो आप ये जो न्यू जनरेशन है उनके लिए एक मिसाल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे आज हमारे इस प्रोग्राम में आप आपकी बहुत सुंदर पेंटिंग्स दिखाने के लिए, और आपकी बातचीत की बहुत जो सुनने में अच्छा लगा, आपको बहुत अच्छी तरह से आपने प्रोग्राम में हमारा समझाया बहुत अच्छी तरह से, तो आपको बहुत शुक्रिया कहेंगे, और आप आगे बढ़ते रहें और जीवन में अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचें। थैंक यू सो मच, आप मेरे घर आए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और आप मेरे इतने सारे पेंटिंग की को अप्रिशिएट किया, मैं बहुत खुश हूँ, इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ जो हमने इस प्रोग्राम में दिखाया वो दूसरों के लिए मिसाल बने, और लोग मैक्सिमम लोग जितने नौजवान हैं चाहे जो भी एज के हो, सब इंस्पायर हो। तो दर्शकों, इस प्रोग्राम के जरिए हमने कोशिश की ऐसे आपको कलाकारों से मिलवाए जो बहुत सुंदर पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स ये सब करते हैं, और आज आपने देखा नसरीन की बहुत सुंदर जो पेंटिंग्स है, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर और उनकी पेंटिंग्स देखकर, तो नसरीन को बहुत धन्यवाद देते हैं। तो एक और प्रोग्राम लेकर फिर हम एक नए कलाकार से आपको मिलवाएंगे, हमारी ओर से आप सबों को नमस्ते।